कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक को कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो में सपना के किरदार में देखा जाता है और उनको काफी पसंद किया जाता है। साथ ही साथ उनका ये कैरेक्टर काफी ज्यादा हिट भी है। कपिल शर्मा के शो में कीकू शारदा का बच्चा यादव और कृष्णा का सपना वाला किरदार काफी हिट है और वो लगभग इस शो के हर एपिसोड में नजर आते हैं, चाहे सपना बने हो या फिर कृष्णा किसी और किरदार में हो, उनके डांस से लेकर उनकी कॉमेडी तक में मामा गोविंदा की झलक दिखी जाती है। खैर, अक्सर ही अपने जोक्स में भी कृष्णा मामा का जिक्र करते हुए दिखाई दे दिए जाते हैं, लेकिन रविवार को कपिल शर्मा के शो पर जब कृष्णा के मामा गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता और बेटी टीना आहूजा के साथ पहुंचे तो कृष्णा ने इस एपिसोड से खुद को दूर ही रखा। बताना चाहेंगे आप सभी को, रविवार के एपिसोड में गोविंदा पत्नी सुनीता के साथ अपनी बेटी टीना आहूजा का पहला गाना प्रमोट करने पहुंचे। टीना का ये गाना इसमें तेरा घाटा फेम सिंगर गजेंद्र के साथ है और तो और इसे इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन मामा और मामी से चल रहे अपने झगड़े के चलते कृष्णा ने कपिल के इस शो से खुद को काफ़ी दूर ही रखा। हालांकि शो के शुरुआती हिस्सों में जब कॉमेडी का पार्ट हुआ तो कृष्णा सपना के किरदार में नजर आए, लेकिन जब गोविंदा अपनी फैमिली के साथ पहुंचे तो कृष्णा शो में नजर नहीं आए। आपको ये बताना चाहेंगे कि अपने स्टारडम से लेकर अपनी कॉमेडी में अक्सर ही चीची मामा यानी कि गोविंदा का जिक्र करने वाले कृष्णा और उनके मामा मामी में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, खबरें इस तरह की रही हैं कि कृष्णा और उनकी पत्नी कश्मीरा का कहना है कि गोविंदा और उनका पूरा परिवार उनकी पत्नी सुनीता के कहने पर चलता है और तो और अब उनके बीच की दूरी कभी खत्म नहीं हो सकती। वहीं हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कश्मीरा शाह ने अपने जुड़वा बच्चों का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे बच्चों से वो अभी तक नहीं मिले और शायद वो भविष्य में कभी नहीं जानेंगे कि उस परिवार से उनका कभी कोई रिश्ता भी था। खैर, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।